विगत कुछ दिनों से जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक बंटवारा पैदा करने की कोशिश की गई और दिलों में दरारें डालने की कोशिश की गई, मैं आजमगढ़ के सभी तमाम हिंदू और मुसलमानों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आजमगढ़ की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपके छोटे भाई आपके बेटे ने एक पहल की है। कल 1 जनवरी सुबह 10 बजे किले से हिंदू मुस्लिम एकता की रैली जुलूस निकाला जाएगा। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर इस रैली को कामयाब बनाए, ताकि जनपद में एक ऐसा मैसेज जाए, एक ऐसा संदेश जाए जिससे कि ये मालूम हो सके, साबित हो सके कि जिस जनपद में कुछ सांप्रदायिक ताकतों की वजह से ये जनपद आग में जला और कुछ लोगों ने उस पर भी राजनीति करने की कोशिश की, तो ये भी साबित किया जा सके कि ये आजमगढ़ का जनपद एक ऐसा जनपद है जिस जनपद में हिंदू और मुसलमान एकता के प्रतीक और एकता की विचारधारा के लोग भी सांस लेते हैं। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आजमगढ़ के हर एक एक हिंदू मुसलमान से एक बार फिर पुनः अपील करना चाहता हूँ कि ये रैली मेरी पर्सनल रैली नहीं, कोई राजनीतिक रैली नहीं, ये हिंदू मुस्लिम एकता की रैली है। मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और जिस तक भी मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, डोर टू डोर मिलने की कोशिश मैंने किया है, हर आदमी के घर पर जाने की कोशिश किया है, जिस किसी व्यक्ति से भी अगर मैं नहीं मिल पाया पर्सनली तो उसको माफ़ करके, मेरी गलती को माफ़ करके कृपया अपना समझ के इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिश करें। मैं आप सारे लोगों से, आजमगढ़ की सम्मानित जनता, हिंदू मुसलमान भाइयों से इस अपील के माध्यम से, इस ANN के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कल सुबह 10 बजे किले से जो हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकाली जा रही है उसमें भाग ले, ज़रूर लें। और मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने मेहनत की है या आगे हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की, ये लगातार मैं करता रहूँगा, मुझे सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। धन्यवाद।